हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओमवीर त्यागी फिजिसिस्ट पर। आज मैं आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुविकल्प के, जो चैप्टर से लिए गए हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। इन दो चैप्टर से लिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। 2006-2010 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि इस नियम के अनुसार ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता, जबकि एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदला जा सकता है। जैसे गतिज ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा में बदल देते हैं, उसी प्रकार लेंज का नियम किसके नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये आसान है कि एक्सएल को हम कहते हैं ओम, एक्सएल का मतलब होता है ओम और ये होता है ओमेगा एल, ठीक है। और R को भी क्या कहते हैं, हम ओम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यहाँ L बराबर 1/ω लिख सकता हूँ कि नहीं, XL/ω लिख सकता हूँ, ओमेगा यहाँ आ जाएगा, तो L की जगह मैं लिख सकता हूँ कि XL/ω, ठीक है। और नीचे R पहले से है ही हमारा, ठीक है। XL का जो फॉर्मूला होता है वो ओम होता है, और प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो भी मात्रक होता है वो ओम होता है, तो ओम से ओम कैंसिल, ओनली रह गया 1/ω। और ओमेगा की होती है कितनी, -1, टी की पावर कितनी होती है, -1, तो ऊपर जाएंगे तो टी की पावर हो जाएगी +1, टी की पावर क्या हो जाएगी, +1, तो ओनली टी जिसमें आ रहा है वही हमारा सूत्र होगा। तो ओनली टी देखो किस में आ रहा है, तीसरे वाले ऑप्शन में आ रहा है, M0L0T की पावर कुछ नहीं है तो टी है, तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है हमसे कि एक कुंडली के लिए प्रेरकत्व 2mH है, यानी कि मिली हेनरी है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह इतनी 10³ एम्पियर पर सेकेंड है, धारा प्रवाह की दर, तो EMF बताइए। EMF निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है E बराबर होता है L बराबर होता है हमारा प्रेरकत्व बराबर फॉर्मूला होता है L बराबर फॉर्मूला होता है E/∆I/∆t, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा होता है, माइनस जो है वो विरोध करता है, ठीक है। तो L कितना है 2m, तो 2×10⁻³ हो जाएंगे मिली हेनरी के कारण, ठीक, बराबर E हमें निकालना है और माइनस विरोध कर रहा है तो उसको छोड़ते हैं। ∆I/∆t धारा प्रवाह की दर दे रखी है 10³, कितनी दे रखी है 10³, 10³ इधर इंटू हो जाए तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा पावर और बचेगा केवल 2, तो 2 वोल्ट इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे तीसरे सवाल पर, लेंज का नियम, लेंज के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इसमें से क्या सही है, तो सही है हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। अगला, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एक सेकंड में एक वेवर से घटकर 0.1 वेवर हो जाता है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल बताइए, यानी कि E बताना है। तो E बराबर फॉर्मूला हमारा होता है ∆ΦB/ΔT, ये फॉर्मूला होता है। तो फाइव बी कितना हो रहा है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स घट के एक वेवर से 0.1 हो जाता है, यानी कि कितना घट गया, एक में से 0.1 गए तो 0.9 घटा, 0.9 बटे कितने सेकंड में, एक सेकंड में, तो एक से डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9 ही आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.9 वोल्ट। कौन सा आंसर सही है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पांचवें का सी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा एक प्रेरित प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित धारा की दिशा का ज्ञान होता है, तो लेंज के नियम से होता है। दूसरा अगर यहाँ पे आ जाता कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आ जाता, क्या लिखा आता, दाएं, तो ये ऑप्शन सही होता, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर दो, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा बताइए। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा होता है, कुंडली में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर Li/2 Li² ठीक है, Li² ठीक है। तो
हमारे पास दे रखा है कि 1/2, 1/2 एल कितना है हमारे पास, 10 आई स्क्वायर। आई हमारा यहाँ से बन जाएगा कि वोल्टेज बटे वोल्टेज बटे वोल्टेज बटे एम आर, यानी वी अपॉन आर से आई बन जाएगा। तो 0 से 0 5 एम्पियर का करंट आएगा और 5 का स्क्वायर, आई का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। और इस 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 10 5 बार 25 25 पंजे 125, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्या कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज वी और आई है तो शक्ति क्षय होता है। क्या होता है शक्ति क्षय, वी और आई के बीच में जो कलांतर होता है उस पर निर्भर करता है, फाई पर निर्भर करता है। एक है कि प्रत्यावर्ती परिपथ है हमारे पास, क्या है प्रत्यावर्ती परिपथ, उसमें दोलन हो रहे हैं तो दोलन करने वाले पर पर में एल सी परिपथ की आवृत्ति होती है। तो इसका सही ऑप्शन है 1/√LC, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि 1/2π और √1/LC, ये इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा 5वां, LCR परिपथ है, परिपथ में श्रेणी LCR परिपथ के लिए अनुनाद स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता, धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर होगा तो 0 होगा, उसका कलांतर क्या होता है 0। इस तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे मैंने, आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करें और आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम।